जब मैं इस फिल्म को देख रहा था ना, तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था, बस एक ही सवाल, कि ये फिल्म हमें जो दिखाती है, जैसा ये फिल्म हमें देखने को मिलता है, तो ये जो फिल्म जो जिस तरीके से बनाई गई है ना, क्या ये कोई मतलब फॉर्मूला है फिल्म को हिट कराने का? क्योंकि अगर ये जो आप देखते हो ना, और सही में ये आपकी नजर में जस्टिफाई लगती है, मतलब ये मूवी आपको जस्टिफाइंग लगती है, तब तो वो जो बॉलीवुड की ओम जैसी फिल्में हैं वो तो आपकी नजर में सुपर हिट होनी चाहिए थी, पर हुई क्या? नहीं ना। तो चलिए आपको समझाता हूँ कि मैं बताना क्या चाहता था। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात, ये एक एक्शन पैक्ड मूवी है, और एक्शन लवर्स चलो नीचे कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस देना शुरू कर दो। तो देखिए, यहाँ पर ये जो मूवी है ना, इस मूवी की स्टोरी से ही आप समझ जाओगे कि ये फिल्म हमें क्या दिखा सकती है और इस फिल्म में कितना दम है। तो इस मूवी की कहानी है कार्टर की, और यहाँ पर उसको एक बच्ची को बचाना है जिसका नाम होता है ना, समझ में आ गया? ये है मेन प्लॉट। अब आगे मैं बताता हूँ। तो ये तो था मेन प्लॉट, इसके अलावा इस फिल्म में काफी सारे सब प्लॉट्स हैं। सीधी सी बात है, फिल्म के राइटर डायरेक्टर को पता था कि मूवी में की कहानी में तो दम नहीं है, और सिर्फ इतने से ऑडियंस को पोपट बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब सॉरी एंटरटेन करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करोगे या फिर मूवी में कुछ ज्यादा अगर नहीं दोगे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, या फिर उससे अलग हटके, जिससे ऑडियंस को लगे कि कम से कम मूवी देखने लायक तो है। तो उसी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, मूवी में काफी सारे सबप्लॉट्स डाल दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्टर की याददाश्त चली जाती है, उसको एक बच्ची को भी बचाना है, उसके पीछे काफी सारे स्पाई एजेंसीज पड़ी हुई हैं वो अलग है, इसके अलावा एक वायरस जो तेजी से फैल रहा है। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें फिल्म में ऐड करके फिल्म को इंटरेस्टिंग, फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें कुछ हद तक ये फिल्म फेल हो जाती है और कुछ हद तक अपना काम भी बना लेती है। फेल क्यों हो जाती है, मैं आपको इसका रीजन इसलिए दे देता हूँ कि देखिए, जो मैंने आपको मेन प्लॉट बताया, ठीक है, अगर आपने उससे आइडिया लगा लिया कि आपने इस टाइप की फिल्में तो ऑलरेडी देखी हुई है, जो कि मुझे लगता है कि जो एक्शन पैक्ड मूवीज देखने के बहुत ही ज्यादा मतलब शौकीन है, जो इस टाइप की फिल्में ज्यादा देखते हैं, तो उन्होंने इस टाइप की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे, और मैं क्या ही बोलूं। तो अगर आप उस टाइप की ऑडियंस हो, तो मैं आपको मुंह पे बोलता हूँ कि ये फिल्म आपके देखने के लायक की नहीं है। और एक्शन ही इंजॉय करने की बात हुई, तो ऑलरेडी आपने काफी सारी फिल्मों में एक्शन देखा ही हुआ होगा, तो उसको याद करके या फिर वेट करके कि चलो कोई दूसरी आएगी अच्छी फिल्म तब देख लेंगे, या फिर ऑलरेडी मैंने कोई फिल्म देखी हुई है तो उसको रिपीट करके आप देख लो, तो ज्यादा सेंस बनेगा, आपको इस फिल्म को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस फिल्म का जो मेन फोकस है वो तो एक्शंस पर ही है, और मुझे लगता है कि जो एक्शन पैक्ड मूवीज देखने के शौकीन है उनको स्टोरी से या फिर फिल्म की बाकी सारी चीजों से उतना कुछ फर्क पड़ता भी नहीं होगा, और मुझे लगता है कि उनको फटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसी फिल्म निकल कर आती है, क्योंकि फिल्म का पूरा फोकस जो है वो एक्शंस पर ही है, और पूरी मूवी में आपको गजब के हल्के हल्के एक्शंस, मतलब दमदार तगड़े भर भर के एक्शंस देखने को मिलते ही रहेंगे। और इस फिल्म के जो एक्शंस है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए। तो पहले मैंने आपको फिल्म की कमी खामियां तो बता ही दी, और क्या गड़बड़ी हुई वगैरह सब सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। अब आते हैं एक्शंस पर, क्योंकि फिल्म का फोकस एक्शंस पर है, और हमारी भी नजरें एक्शन से ढूंढ रही है कि भाई मूवी में दम हो या ना हो, एक्शंस में दम होना चाहिए। तो हाँ, मूवी के एक्शंस में बहुत ही ज्यादा दम है, फिल्म के एक्शंस काफी कमाल के हैं, कैमरा वर्क जिस तरीके से किया गया है और विजुअल्स के जरिए जिस तरीके से फिल्म के एक्शंस को दिखाया गया ना, वो आंखों को सुकून देता है। कोरियोग्राफी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, खासकर एक्शंस की, जिसको देखकर आप बहुत ही ज्यादा इंजॉय करोगे, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। फिल्म में ब्रूटल एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। अब देखो, एक्शन तो हम रोज ही देखते हैं, लेकिन ब्रूटल एक्शन देखने का जो मजा है ना, वो वही जानते हैं जो ब्रूटल एक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर वो कमाल का आपको देखने को मिलेगा मजेदार, मतलब पूरी फिल्म में ऐसे सीन्स भरे पड़े हुए हैं जो कि मुझे लगता है कि जो यही देखना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये फिल्म है ही है, सोचने की बात ही नहीं है, उनके लिए तो मस्ट वॉच मूवी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जो कि ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है, सबके साथ बैठ कर देख सकते हो, इंजॉय भी कर सकते हो, पर मैंने जैसे कि आपको पता है कि खून खराब है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है, और अगर आपने देख लिया तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म के साथ में, मेरे साथ आप कमेंट में जरूर शेयर करना, और देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है कि नहीं। जोहार।